ट्रैक्टर के साथ जो ना बाइक फ्री का ऑफर चल रहा है 100 cc का दीपावली तक जो इसमें ऑफर चल रहा है। और दोस्तों कीमत जो ना वीडियो में आगे बताई गई है, बहुत ही जो ना मुनासिब कीमत जो है ट्रैक्टर रखी गई है। 36 HP का आपको ट्रैक्टर मिलेगा पावर स्टीयरिंग सुपर प्लस के साथ में। और दोस्तों यहाँ पे जो ना सबसे बड़ी जो कमी है वो करी गई है, आगे जो ना फ्रंट से लेकर बैक तक जो ना इसमें जो ना नो जॉइंट दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो ना काफ़ी गलत बात लगी मुझे कंपनी की, तो इसको जो ना सुधार करना चाहिए। पूरे पूरा जो अगला हिस्सा है जिसको चूल्हा बोलते हैं फ्रंट चूल्हा, इसमें जो ना कंपनी को काफ़ी सुधार करना चाहिए। दोस्तों आयशर 333 पे जो है ना पूरी बाइक फ्री मिल रही है एक लगभग 100 cc की। तो भैया प्राइस सही जो ना पूरी जानकारी दूंगा वीडियो में, लास्ट तक बने रहें। और भाई मैं जो ना जो ट्रैक्टर का प्राइस है ना वो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन आप जो ना फिर भी कमेंट करते हो कि प्राइस बता दो, आप जो ना वीडियो पूरी देखा करो। तो भाई प्राइस जो ना मैं लास्ट में बताता हूँ। अब जो ना दोस्तों 333 इस पर जो ना ऑफर चल रहा है धनतेरस तक दीपावली तक, इसमें जो ना 100 cc की जो है वो बाइक फ्री मिल रही है। कीमत ही बताऊँगा कि कितनी कीमत में जो आपको ट्रैक्टर मिल रहा है। तो भाई अगर ट्रैक्टर की बात करें 333 है, 5-star टॉप मॉडल है, नहीं टॉप नहीं दोस्तों साइड गियर वाला नहीं सेंटर गियर वाला है, लेकिन है 5-star पावर स्टीयरिंग के साथ में। इसमें जो ना फ्रंट टायर मिलता है आपको 616 का, रियर मिलता है 1328 का, रियर में ऑप्शन होगा 13 का और 12 का दोनों का। अगर दोस्तों जो ना फ्रंट एक्सल की बात करते हैं, इसमें जो ना आपको नॉन एडजस्टेबल वाला तो फ्रंट एक्सल मिलता है। पावर स्टीयरिंग की बात करते हैं डुअल एक्टिंग वाला जो, इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है। इंजन की बात करते हैं सिम्पसन कंपनी का 2365 cc का 3-cylinder इंजन मिलता है इसमें आपको, वाटर कूल वाला नेचुरली एस्पिरेटेड। डीजल टैंक की बात करते हैं, इसमें जो ना आपको 45 लीटर का तो डीजल टैंक मिलेगा। पावर स्टीयरिंग यहाँ पे बैजिंग मिलेगी 333 और 5-star यहाँ पे बैजिंग मिलेगी। और फिर साइलेंसर पे जो ना देखो एक साइड जो ना पूरी जाली दे दी गई है, क्योंकि इस साइड से जो ना आपका हाथ वगैरह टच हो सकता है, तो इसको जो ना ध्यान रखते हो कंपनी ने यहाँ पर जो ना जाली दी है। और भाई नई ग्राफिक के साथ ही आपको ट्रैक्टर मिलता है। ऑयल बाथ वाला इसमें जो आपको 3-stage का एयर क्लीनर मिलता है। और भाई सिम्पसन का इंजन है दोस्तों, माइलेज की और बेहतरीन लाइफ की, लॉन्ग लाइफ इंजन है दोस्तों। सिम्पसन के जो इंजन आते हैं ना माइलेज में सबसे अच्छे आते हैं, और लॉन्ग लाइफ भी जो है इन ट्रैक्टरों की बहुत ही ज़्यादा है। तो भाई इसमें जो ना आपको सिंगल और डुअल दोनों क्लिच का जो ऑप्शन होगा। गेयरबॉक्स की बात करते हैं, इसमें जो ना आपको 8 forward और 2 reverse मतलब 10 speed वाला जो इसमें आपको गेयरबॉक्स मिलेगा। तो भाई देखो 10 speed वाला जो है इसमें आपको इस गेयरबॉक्स मिलेगा, मतलब 8 forward हैं 2 reverse हैं। और दोस्तों क्लिच जो ना काफ़ी सॉफ्ट दी गई है, और यहाँ पर जो ना आपको ब्रेक मिलते हैं। लिफ्ट लीवर की बात करते हैं, ड्राफ्ट और पोजीशन दोनों लिफ्ट में आपको लीवर मिलते हैं। और दोस्तों यह होगा अपना फुट एक्सीलेटर, यह हैंड एक्सीलेटर। तो फिर स्टीयरिंग की बात करते हैं, तो दोस्तों देखो स्टीयरिंग काफ़ी प्यारा है, देखो बहुत ही छोटा सा स्टीयरिंग बनाया गया है। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये दोस्तों बहुत ही प्यारा स्टीयरिंग है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं, पूरी डिजिटल मिलता है यहाँ पर जो आपको RPM वगैरह जो उसका टाइम्स होगा। ये डीजल मीटर है, ये डीजल मीटर है, ये बैटरी वाला, ये टेम्परेचर, ये ऑयल वाला। और भाई जो ना अपने लाइट को ऑपरेट करने वाला, भाई यहाँ पर जो ना आपको मिलता है इसमें जो मतलब फ़ोन को चार्जिंग करने वाला बॉक्स जो है वो मिलता है, आप देख सकते हैं यार। मतलब पूरा जो ना चार्जर लगा हुआ है, सिर्फ आपको डाटा केबल लगाना है, ऐसा नहीं कि पूरा चार्जर फिट कराना है, सिर्फ डाटा केबल लगाना है और आपको जो ना पूरा ट्रैक्टर जो है वो मतलब फ़ोन जो है चार्जिंग के लिए तैयार है। और भाई इसमें जो ना आपको जो चक्कर हैं वो मिलेंगे सिर्फ 540, जो ना मल्टी स्पीड वाला नहीं है, सिर्फ आपको 540 मिलेंगे। इसमें जो ना आपको सिंगल और डुअल दोनों का ऑप्शन होगा। फिलहाल जो हमारे सामने सिंगल क्लिच वाला ट्रैक्टर है। अब दोस्तों इस ट्रैक्टर मुझे देखो कमी क्या लगी, पावर स्टीयरिंग अच्छी बात है ड्यूअल एक्टिंग का देती है, लेकिन दोस्तों यहाँ इंजन से और आगे तक के आप जॉइंट देख लो, देखो दोस्तों कितने सारे इसमें जॉइंट दिए गए हैं। ये अपना इंजन हो गया, उसके आगे दोस्तों काफ़ी मोटी प्लेट दी गई है, चलो ये तो अच्छी बात है। एक जॉइंट ये हो गया, फिर एक जॉइंट ये हो गया, फिर यहाँ वेल्डिंग आ गया, ठीक है जी, फिर यहाँ वेल्डिंग आ गया, उसके बाद फिर यहाँ वेल्डिंग आ गया, उससे आगे फिर यहाँ वेल्डिंग आ गया, उससे आगे फिर यहाँ वेल्डिंग आ गया, फिर यहाँ आ गया और फिर यहाँ आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 दोस्तों इंजन से और बम्पर तक जो है ना पूरे 9 joint हैं। तो दोस्तों देखो कंपनी की जो है ना कितनी बड़ी गलती है ये, मतलब इसको जो है ना पूरा कास्टिंग का ना बना के ये जो है ना सिर्फ एक जुगाड़बाजी से इसको ना तैयार करके दे दिया है। बाकी अगर जो है इसको ये पूरा कास्टिंग का बना के दें जैसे कि 557 में आता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और जब ट्रैक्टर ट्रॉली पे चलेगा ना दोस्तों, उठ उठ के आगे लगेगा तो जो ना सब चीज़ें क्रैक होंगी, जितने जॉइंट है ना दोस्तों सब क्रैक होंगे। ये 100% गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की। तो कंपनी को जो है यहाँ पर बदलाव करना चाहिए था। और भाई यहाँ पे जो ना डुअल टेंडम पंप मिलता है, एक पावर स्टीयरिंग का और एक हाइड्रोलिक का, तो यहाँ पे जो ना कंपनी को चेंज करना चाहिए। बाकी यहाँ जो ना बड़ा एक अपना हाइड्रोलिक फिल्टर मिलता है। और यहाँ दोस्तों 80 ampere की जो ना आपको उसमें बैटरी मिलती है, और जो ना साइड में जो ना काफ़ी कवर अच्छा कर रखा है। सुपर प्लस की आप बैजिंग मिलती है, और जो ना अपना टूल बॉक्स हो गया, इधर जो ना पावर स्टीयरिंग की बैजिंग मिलती है। अब इसमें जो ना फाइनल ड्राइव की बात करते हैं, फाइनल ड्राइव जो है इसमें किस तरह की दी गई है। तो भाई फाइनल ड्राइव तो जो ना वही अपनी जैसे कि आयशर के सभी में आती है, बुल पिनियन वाली। ऑयल इमर्स इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, 3 slot वाली इसमें आपको लिफ्ट सेंसिंग मिलेगी। और अगर हम इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें, 1650 kg की जो है इसमें आपको लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलेगी। और दोस्तों अब इसकी जो ना देखो एक अच्छी बात हो क्या है, आयशर में जो ना जो देखो साइड स्टेबलाइजर है ना,
ये सब अपनी जो ना लॉक वाले देती है, इसमें जो ना चैन वाला सिस्टम नहीं आता आइसर में, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखो अच्छी चीज़ ये है कि आइसर अपने सभी ट्रैक्टर में डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देती है, स्टेबलाइजर जो है वो भी काफ़ी अच्छे देती है, लेकिन कमी इसमें जो ना सिर्फ ये है कि आगे से बदलाव नहीं करती है। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा जो ना इसमें जॉइंट दिया गया है। तो फिर ट्रैक्टर साथ जो ना बाइक फ्री मिल रही है। अब बाइक जो है ना, मतलब ट्रैक्टर जो है कितनी कीमत में है, एक्स शोरूम में जो इसका वो कीमत बताऊँगा। इसकी जो एक्स शोरूम कीमत है वो है दोस्तों किसान मोटर्स आयशर ट्रैक्टर की एजेंसी पर गाज़ियाबाद में NS58 पर जो इसकी कीमत है दोस्तों, जो इस ट्रैक्टर की कीमत रखी गई है वो है 5,99,999 रुपये, मतलब 6 लाख रुपये जो है वो ट्रैक्टर की कीमत रखी गई है। और ट्रैक्टर की इसी कीमत में जो है ना आपको 100 cc की जो है वो बाइक फ्री मिलेगी। दोस्तों जो है ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है कि पावर स्टीयरिंग ना हो, बाकी जो ना ट्रैक्टर 333 मिलेगा आपको इसमें सुपर प्लस 13/28 के टायर वाला, पावर स्टीयरिंग शायद इसमें जो है इंक्लूड है। तो 6 लाख में आप ट्रैक्टर और बाइक जो है ले जा सकते हैं सिर्फ दीपावली तक। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।